सीएम योगी मुर्दाबाद सिंघाल जी, तेरा छोरा है उसमें बाकायदा वीडियो पूरा देश देख रहा है, हाथ में पिस्टल हर खिड़की खोल के भाज रहे है। और इतना बड़ा अपराध अब तक इस सरकार ने, योगी सरकार का इसलिए फूका, इब तक तो पहला 302 का मुकदमा DGP ने ला दिया, बोले भाई मैं लाइन ऑर्डर का पालन करूंगा, लेकिन अभी तक रेस्ट नहीं करे गए तीन। और किसान ये बोलते नहीं, थोड़ा कोई खांस जे या कर दे उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा, 307 का मुकदमा। अरे ये खून कर दिए जनता का शामी, जानबूझ के खून कर दिए हमारे किसाना के, उनके बारे में कोई सोचे विचार को नहीं। प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं, महाराज इसका मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, सिर्फ कानून प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया। 45 लाख दे गए ने फराम हो गए, इससे थोड़ा होगा उनको रेस्ट करो, थोड़ी ढिलाई हमारी भी रहेगी भाई, जेल में जाने चाहिए थे, जब से पहला फैसला नहीं करना थी चाहिए था इन भाइयों ने तोड़ करके। 302 का मुकदमा ला गया तो पुलिस कहीं भी ठास के है, पुलिस के निगरानी में है भाई सारी बात, उनको मालूम है। क्यों? सरकार का दबाव भाई, तकड़ी सरकार बन रही है, मनस मारो, ये मंत्री मारो, इनके छोट मारो, किसान ने मारो, कितना किमें करो उसका तो न्यू फूकिया। और इसका न्यू फूकिया भाई, इसने एक मीटिंग बुलाई थी युवाओं की, जो इसके इसके फ्योर के मुख्यमंत्री ने अपने ना हरियाणा सरकार ने, इसने न्यू कहा भाई लट ठा लो 1015 16 तैयार हो जाओ और किसान के सिर फोड़ दो और भाई जेल में जाओ और फिर लीडर बन के आ जाओ मेरे द्वारा से, तो बोले मैं जेल नहीं होने दिंदा, अल्ले थोड़ी बहुत ही जेल होगी तो मेरे द्वारा आ जाओ और सिर फोड़ो। इस आदमी जो जुम्मेवाराना गैर जुम्मेवाराना बयान दे रहा है, तो मुख्यमंत्री क्यों बनया था फिर? तेरा बस की बात नहीं थी घर चलाना, तो एक किनारा अपना खेत में कड़ियाँ झूपड़ी घर के बैठ जे चकड़ियाँ रेडी ला ले। मुख्यमंत्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए उसमें, और इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और किसाना पर शिकंजे खिंच रहे के भाई ये बोल के वो। एक किसान थोड़ा बोल रहा था देशद्रोह का मुकदमा चंडीगढ़ जमाने तो इसी जाएगी, और यू इतना बड़ा बोल रहे हैं, इसके खिलाफ हर आदमी व्यक्तिगत हर थाना में रिपोर्ट लिखाऊंगा, संगठन लिखाऊंगे, FIR दर्ज कराऊंगा, कदे न कदे तो भगवान सुनेगा इन किसाना की। अग्नियों सारी उम्र यू के अमल पर खा रहा है, अगर भाई जिंदा ही रहेगा या भाजपा जिंदी रहेगी इनमें तो कोई तो होगा, इसके सारे उगाड़ उगाड़ जा करेंगे भाई, उगाड़ होगी देश में, भाजपा से नफरत होगी पूरा देश में, कुदरती होगी। जिसके छोरे मर रहे हुए तो वो मारे मर रहे हैं, किसके मर रहे मारे हैं, चाहे मुसलमान का छोरा है, चाहे सिख का है, चाहे हिंदू का है, चाहे क्रिश्चन का है, किसान तो है, चाहे किसी बिरादरी का है, ब्राह्मण का है, वाल्मीकि का है, समारा का छोरा, खाती लोहारा का छोरा है, वो सह तो मारे वो हर जानबूझ के मारे रहे, पाछे तो गाड़ी चढ़ा दी रहे, बेरहमी करी इसी, बदमाशी करी इसी सरकार। हमने भाई जिंदे जी कदे फिर दिखाओ ना हमारे युवा ना, हम कह जाएंगे भाई मारे मरे पाछे, भाजपा का नहीं मुँह करके भी ना सही हो, इसलिए पुतले फूके हैं भाई। देखिए मुख्यमंत्री का एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस टाइम के अंदर जो मुख्यमंत्री ने ये शब्द कहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि उसने वापस लेने चाहिए किसानों के, और आगे आने वाले समय में इनको जनता बख्शेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी आदमी इसकी तरफ किसी का हाथ नहीं होगा। और जो आज तक 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और अभी तक वह गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम योगी सरकार की और मोदी सरकार की इसमें घोर निंदा करते हैं। खा पंचायतों की तरफ से जी क्या एक्शन रहेगा? खा पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है और साथ ही खड़ी रहेंगी और पीछे भी साथ थी। ठीक है।